अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। एक अपडेट है जी फेक न्यूज़ के हवाले से। फेक न्यूज़ का गला काट दिया गया है। 26 जुलाई 2022 और मंगल का दिन है। बारिश मस्कत में भी हो रही, कहीं कहीं बाकी इलाकों में भी हो रही हैं। तो प्रोडिक्शन यही है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी पूरे ओमान के अंदर, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इन्हीं बारिशों के तनाजुर में जो है एक फेक न्यूज़ चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर। लोगों ने जो है अफवाहें, आपको पता है कि अफवाह जो है फिर वो असल से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। तो कहा गया कि बरका वलायत बरका और सीम में जो है एमरजेंसी तौर पर लोगों को किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकल किया जाएगा, लेकिन अथॉरिटी एनसीईएम नेशनल कमेटी फॉर एमरजेंसी मैनेजमेंट, उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन कर दी है कि ये गलत खबर है, इसके ऊपर जो है ध्यान ना दिया जाए। लिहाजा ऐसी कोई एमरजेंसी नहीं है और ना ही अल्लाह ताला खैर करे कोई ऐसे आसार हैं। तो इस तरह की फेक न्यूज़ पर जो है, ये आपको बताते चलें कि जो इंस्टाग्राम है ना, उसके ऊपर ओमानी कम्युनिटी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और वहाँ पर जितनी तेज़ी से खबर शेयर होती है, आपकी सोच है तो जितनी तेज़ी से अच्छी खबरें आती हैं उतनी, बल्कि उससे ज़्यादा स्पीड से जो है फेक खबरें भी चलती हैं बीच में। तो ओमानी लोग भी शरारतें करते हैं इस तरह की, ये नहीं है कि अब इधर ऐसा कुछ नहीं है, लोग शरारतें ज़रूर करते हैं। अगर कोई ज़्यादा सीरियस यानी इस तरह की वॉयलेशन में पाया गया, यानी जानबूझकर फेक न्यूज़ चलाते हैं तो वो पकड़े भी जाते हैं और उनका लॉ भी लगते हैं। लिहाजा अगर आप भी कोई भी किसी तरह का कंटेंट डालते हैं तो कोशिश करें कि वो हकीकत है। जज़ाकअल्लाह।